मैं हूं रश्क गौरी, खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के चौथे दिन की कार्यवाही लगातार जारी है। सदन में आज बीजेपी ने प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। कवर्धा में एक बालिका के साथ अनाचार हुआ, जिससे दुखी होकर पीड़िता के पिता ने आत्महत्या करने की कोशिश की। तो वहीं सत्यनारायण शर्मा ने शासकीय नागार्जुन साइंस कॉलेज के पहले सेमेस्टर के छात्रों की उपस्थिति कम बताकर, आपको बता दें कि परीक्षा में बैठने के लिए आपात घोषित किए जाने पर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षण किया। सत्यनारायण शर्मा ने आरोप लगाया है कि पैसे लेकर एचओडी ने कम उपस्थिति वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी और अटेंडेंस रजिस्टर बदलकर छात्रों को आपात घोषित कर दिया। तो वहीं इसके साथ ही कई और मुद्दों पर सदन में चर्चा की गई। आज अनुपूरक बजट पर भी चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के चौथे दिन की कार्यवाही लगातार जारी है और सदन में आज बीजेपी ने प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। कवर्धा में एक बालिका के साथ अनाचार हुआ, जिससे दुखी होकर पीड़िता के पिता ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी आशीष तिवारी जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। आशीष जी, अभी सदन की कार्यवाही को लेकर क्या ताजा अपडेट? देखिए, सदन में कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2400 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया था, आज पर अनुदान मांगों पर चर्चा चल रही है और अनुदान मांगों की चर्चा का जो क्रम था, बतौर विपक्षी दल से अजय चंद्राकर ने इसकी शुरुआत की और सरकार पर कई बड़े हमले बोले हैं। अजय चंद्राकर ने ये बात कही कि 2386 करोड़ के बजट में से 2200 करोड़ का जो बजट रखा गया है वो एक्सपेंडिचर बजट है। इनमें से 260 करोड़ की राशि ब्याज भुगतान के लिए रखी गई है, जबकि पूंजीगत व्यय से कहीं ज्यादा है। तकनीकी टर्म्स यहाँ पर होगा यदि इसका ज्यादा रखा जाए तो, लेकिन कई बड़े आरोप इस दौरान अजय चंद्राकर ने लगाए हैं। ठाकरे विश्वविद्यालय का जिक्र किया कि 4 महीने से अनुदान नहीं दिया गया, क्योंकि इसके नाम बदलने का जो एक बिल पिछले सत्रों के दौरान लाया गया था वो पेंडिंग है। अजय चंद्राकर ने धान खरीदी का मुद्दा उठाया, धान के सर्वे का मुद्दा उठाया, छत्तीसगढ़ वाद का मुद्दा उठाया, ऐसे तमाम पॉलिटिकल फ्रेम में अपने भाषण को अजय चंद्राकर ने यहाँ पर सदन में चर्चा के दौरान रखा है। हालांकि चर्चा का क्रम अभी आगे लगातार चलता रहेगा, लेकिन इसके पहले ध्यानाकर्षण के दौरान दो महत्वपूर्ण मुद्दे थे। एक मुद्दा साइंस कॉलेज में जिस तरीके से छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी, उनकी उपस्थिति कम होने की दलील के साथ, ये एक बड़ा मुद्दा था जो सत्तापक्ष के विधायक सत्यनारायण शर्मा ने उठाया था। इसके अलावा जो पुलिस के अभियक्षण में जिस तरीके से मौतों का ग्राफ बढ़ा है, ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा पहले भी था और आज इस मुद्दे को धर्मलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष विजयन अग्रवाल, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बामजी ने सदन में उठाया और गृह मंत्री को एक तरीके से आंकड़ों की जुबानी अनुसरित करने की कोशिश किया। हालांकि गृह मंत्री ने अपने वक्तव्य में यही कहा कि तरीके से पुलिस के अभिरक्षण में मौत नहीं हुई है और चूंकि एक नियम प्रक्रिया है कि यदि पुलिस अभिरक्षण में मौत होती है तो उसकी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, तो तमाम घटनाओं की जांच सरकार करा रही है। अभी तक जितने भी विधानसभा सत्र हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा आक्रामक भूमिका में इस मरतबा विपक्ष नजर आ रहा है, क्योंकि ढेर सारे मुद्दे मिल गए हैं विपक्ष को। आशीष जी, देखिए, जाहिर तौर पर विपक्ष ने इस दफे काफी चाक चौबन तैयारी कर रखी थी और आपको ध्यान होगा कि हाल में जब डी पुरंदेश्वरी, जो कि बीजेपी की प्रदेश प्रभारी है, वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर आई थी, तब उन्होंने विधायक दल की बैठक की थी और चूंकि सत्र का नोटिफिकेशन हो चुका था, इतिहास है, उन्होंने ज्यादा आक्रामक अंदाज में विपक्षी पार्टी के तौर पर सदन में बीजेपी विधायकों की भूमिका सुनिश्चित की थी और यही वजह थी कि जैसे ही पुरंदेश्वरी देवी का दौरा पूरा हुआ था, बीजेपी विधायक दल की बैठक आमतौर पर सत्र की कार्रवाई के पहले दिन बुलाई जाती है, लेकिन करीब 10 दिन पहले ही बुला ली गई थी और मुद्दों की कैरिस बीजेपी ने तैयार कर रखा था और आज उन मुद्दों को सदन में बीजेपी क्रमबद्ध तरीके से उठा रही है, तो ज्यादा आक्रामक अंदाज में बीजेपी पहले के सत्रों की तुलना में इस सत्र में देखने को मिल रही है। हालांकि सत्ता पक्ष के जितने बयान आ रहे हैं, सत्ता पक्ष आंकड़ों की बदौलत विपक्ष के तमाम आरोपों का पुरजोर तरीके से सदन के भीतर प्रतिरोध कर रही है, जवाब दे रही है। जी, बहुत शुक्रिया आशीष जी तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।